मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, क्या आप दुश्मन की चालों से परेशान आ गए हैं? क्या आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करता है? दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है? दुश्मन इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हद से तजावुज़ कर रहा है। तो दोस्तों, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए आपको एक छोटा सा अमल करना होगा। ये आप एक अमल कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए करना क्या रहेगा कि दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम पता करना है सबसे पहले आपको। जब दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम पता हो जाए तो तावे के ऊपर, जिस पे रोटी बनती है, तावे के ऊपर आपको दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है। और दोस्तों, बैठ करके आपको तन्हाई में आग जलाना है। आग जला करके उसके ऊपर तवा रखना है जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है। फिर दोस्तों, आपको पढ़ना है या कहारू या जब्बारू या कहारू या जब्बारू, ये आपको पढ़ना है 100 बार। 100 बार जब हो जाए तो दुश्मन का नाम, उसकी माँ का नाम ले लीजिए, उसी तवे के ऊपर आपको फूंक मार देना है। लगातार कुछ देर तक करते रहें, तकरीबन 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार करते रहें इस अमल को। इसकी तादाद यही कि 100 बार जब हो जाए तो आपको फूंक मारना है तवे के ऊपर। दोस्तों, ये आप ऐसे लगातार 3 घंटे करेंगे कि दुश्मन की हालत ख़राब हो जाएगी। दुश्मन भागा भागा फिरेगा, दुश्मन को चैन और सुकून कहीं पर मिलेगा नहीं। दुश्मन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अमल बहुत ही ताकतवर और बहुत तेज़ अमल है। दोस्तों, इस अमल में सिर्फ यही 2 जुमले पढ़ने, या कहारू या जब्बारू। इस अमल को तन्हाई में किया जाए। और दोस्तों, जब आपको आपके दुश्मन ने परेशान किया हो तब जाके आप इस अमल को करें, वरना बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।